हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स ब्लूटूथ प्रॉब्लम। चाहे आपके फ़ोन के साथ किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा हो या फिर ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद साउंड नहीं आ रहा है, इस तरह का हर एक ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम को आप हमारे वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले फ़ोन सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, नेक्स्ट ऐप्स में जाना है। उसके बाद मैनेज ऐप सेटिंग्स को खोलते ही ऊपर में सर्च बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके फाइंड करना है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ लिखते ही यहाँ पे एक ब्लूटूथ का सेटिंग्स आएगा, तो उस पर टैप करना है। ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ब्लूटूथ में जितने सारे कचरा भरा हुआ है यहाँ पे क्लियर डेटा पर क्लिक करके उन सारे कचरा को डिलीट कर सकते हैं। ब्लूटूथ का सारे डेटा डिलीट करने के बाद अपना डिवाइस को पावर ऑन दबा के एक बार रिस्टार्ट करना होगा। अपना डिवाइस को रिस्टार्ट करने के बाद उस ब्लूटूथ डिवाइस में पेयरिंग मोड ऑन करके वापस इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा ब्लूटूथ हेडफोन इस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, साथ ही साथ बैटरी परसेंटेज भी शो हो रहा है। अब उसके आगे ग्रेटर आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से बहुत सारे सेटिंग्स आ जाएगा। यहाँ पर इन सारे सेटिंग्स को आपके फ़ोन में इनेबल है कि नहीं वो चेक कर लेना। अगर इनमें से कोई भी सेटिंग्स डिजेबल है तो उसे इनेबल कर दे देना। दोस्तों, अब इस फोन में ब्लूटूथ का सारे समस्या ठीक हो चुका है। अगर फिर भी कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हो सके तो अपना ब्लूटूथ डिवाइस को किसी दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है हमारे मोबाइल तो ठीक रहते हैं लेकिन उस ब्लूटूथ डिवाइस के कारण इस तरह का समस्या दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपना फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।